Subscribe Black Magic Film Studios for 3 new videos every week. Click on the bell icon and never miss a video from Black Magic Film Studios. इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी हॉरर फिल्मों के बारे में जो नेटफ्लिक्स पर पॉपुलर हैं। हश। ये फिल्म कहानी बताती है एक लेखिका की जो अकेले ही जंगल के एक केबिन में रहने गई है, पर उस जंगल में भटक रहा एक नकाबपोश कातिल उस लड़की की जान लेने के पीछे पड़ जाता है। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो लड़की सुन नहीं सकती। इस फिल्म में कुछ बहुत अच्छे डरावने सीन्स हैं जो आपके रोंगटे जरूर खड़े कर देंगे। लास्ट शिफ्ट। ये कहानी है एक औरत की जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और बंद होते एक पुलिस स्टेशन में उसे रात की आखिरी शिफ्ट पर तैनात किया गया है। पर उस पुलिस ऑफिसर औरत की यह आखिरी शिफ्ट उसका सबसे डरावना सपना बन जाती है जब उस पुलिस स्टेशन के अंदर ही डरावनी और अजीब सी भूतह गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। द रिचुअल। ये कहानी है कुछ पुराने दोस्तों की जो अपने एक जिगरी दोस्त की मौत के बाद उसके सम्मान में स्कैंडिनेवियन जंगल में एक ट्रिप प्लान करते हैं। घने जंगल में कुछ वक्त गुजारने के बाद उन्हें ये एहसास होता है कि उस जंगल में वो अकेले नहीं हैं और जो कोई भी उनका पीछा कर रहा है वो उनकी जान लेना चाहता है। साल 2017 में आई ये फिल्म एक बहुत ही मनोरंजक फिल्म है। अगर आपको प्रेडेटर फिल्म पसंद है तो ये फिल्म भी शायद आपको पसंद आएगी। इट फॉलोज। ये फिल्म एक श्राप के बारे में है जिसमें श्रापित व्यक्ति के पीछे कुछ बहुत ही बुरी अलौकिक शक्तियां पड़ जाती हैं जो कि उस व्यक्ति की जान लेना चाहती हैं। और ये अलौकिक शक्तियां एक इंसान का रूप ले लेती हैं जो धीरे धीरे चलते हुए श्रापित व्यक्ति का पीछा करता है, और श्रापित व्यक्ति अगर उसके हाथ लग गया तो उस श्रापित व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये फिल्म हॉरर फिल्मों में बहुत ही अनोखी है पर आपकी रातों की नींदें आराम से उड़ा सकती है। वेरोनिका। ये फिल्म एक स्पेनिश हॉरर फिल्म है जिसमें वेरोनिका नामक एक लड़की की कहानी बताई गई है। वेरोनिका एक दिन अपनी स्कूल की सहेलियों के साथ वीजी बोर्ड नामक एक पैरानॉर्मल गेम खेलती है, पर वीजी बोर्ड के साथ खेलते हुए वो सबसे बड़ी गलती कर देती है और उसके शरीर में एक शैतानी आत्मा प्रवेश कर जाती है। साल 2017 में आई ये फिल्म एक बहुत ही अच्छी हॉरर फिल्म है जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। दोस्तों, तो ये थी कुछ डरावनी फिल्में जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।